हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक प्राइवेट कंपनी की जॉब की अपडेट यहां पर लेकर के आ गया हूं। गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कहां पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है और क्या क्या यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांगी गई है किस किस चीज़ के लिए, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे तभी आपको यहाँ पर काम मिल पाएगा। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं अपने चैनल पर हर रोज़ आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो बना करके देती रहता हूं, ठीक है। तो गाइस यहां पे बात करेंगे दोस्तों कंपनी के बारे में। तो यहां पे टाटा पावर सोलर कंपनी है, काफी सारी फेमस कंपनी है जो कि आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। सोलर पैनल बनाने में काफी ज्यादा पॉपुलर कंपनी हो चुकी है टाटा पावर कंपनी, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों काम जो रहेगा वो सिर्फ 8 घंटे का काम रहेगा जिसमें आपकी सैलरी भी काफी अच्छी मिलने वाली है, जो कि यहां पे देख सकते हो 28,900 रुपए पर मंथ तक यहां पे सैलरी मिलने वाली, जो कि आपके वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। अगर आप भी दोस्तों यहां पर 10th पास है 12th पास है, डिप्लोमा पास है सिविल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, और GTI वालों बच्चों के लिए भी यहाँ पे आपको काम मिलने वाला है जो कि आप किसी भी ट्रेड से पास है, ठीक है, तो भी यहाँ पे आपके काम मिलने वाला है जिसमें दोस्तों आपकी कई सारी फैकल्टी भी यहाँ पे मिलने वाली है जिसमें आपको दोस्तों रहना खाना ओवर टाइम की सुविधा, ठीक है, काफ़ी सारी यहाँ पे फैकल्टी मिलने वाली है जैसे कि कैंटीन की सुविधा, ठीक है, बस की सुविधा, बहुत सारी फैकल्टी यहाँ पे मिलने वाली है। तो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा आपको मौका है, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो टाटा पावर कंपनी के लिए न्यू जॉब वैकेंसी के लिए रिक्वायरमेंट आ चुका है, ठीक है। टाटा सोलर पावर कंपनी जो है यहाँ पे फ्रेशर एंड एक्सपीरियंसेस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टाटा पावर कंपनी में कई सारे कर्मचारी चाहिए, किन किन पोस्टों के लिए चाहिए वो भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो कंपनी नेम्स की बात कर लेते हैं, टाटा पावर सोलर लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और इसकी वेबसाइट जो है मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है जिसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो सोलर पैनल सोलर पावर कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पर बात की जाए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड की तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंसेस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो शताब्दी भवन सेक्टर नंबर 4 नोएडा में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। वैकेंसी और पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर 1769 पोस्टें यहाँ पर निकल कर आ चुकी हैं, जो कि कई सारी मल्टीपल पोस्टों पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी हैं। सैलरी अफोर्ड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सैलरी जो है आपकी 8 घंटे की 14,000 रुपये पर मंथ तक यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली, जो कि अधिकतम सैलरी जो रहेगी वो यहाँ पर 45,900 रुपये पर मंथ तक सैलरी मिलेगी, जो कि आपके वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। टाटा पावर जॉब वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर पद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्लस्टर हेड है, लीड इंजीनियर है, टेक्निकल इंजीनियर सुपरवाइजर, ठीक है, सर्विस एक्सक्यूटिव है, टीम वर्कर है, एंड और भी सारी पोस्टें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं जो कि आपके कैरियर के पेज पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। एज लिमिट की हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देख सकते हो 18 वर्ष से लेकर के 47 वर्ष तक यहाँ पर उम्र होनी चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष तक यहाँ पर होनी चाहिए आपकी उम्र जो है, ठीक है। टाटा पावर सोलर कंपनी में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या यहाँ पर मांगी गई हैं तो यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबल कैंडिडेट शुड हैव टू बी पास्ड बैचलर डिग्री यानी VA वगैरह कर रखा हो, या पर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, ठीक है, या फिर आपने कोई इंजीनियर वगैरह का डिप्लोमा कर रखा हो जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, प्रोडक्शन, और भी सारी यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि आपके लिए इन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं, ठीक है, जैसे कि BSc मैथमेटिक्स किया हो, MBA, VE, VTech वगैरह बहुत सारी पोस्ट हैं यहाँ पर निकल कर आ चुकी हैं जो कि आपकी ये क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुनहरा मौका निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों टाटा पावर कंपनी के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो क्या रखी गई हैं तो यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टिंग डेट जो है 1 अक्टूबर से यहाँ पे जो है एप्लीकेशन डेट जो है स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और यहाँ पे एंडिंग डेट जो रखी गई है वैसे तो यहाँ पे 23 दिसंबर दिखा रहा है बट आगे भी बढ़ सकती है डेट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी देख सकते हो यहाँ पे 14,000 रुपये से लेकर के और यहाँ पे 45,900 रुपये पर मंथ तक यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो यहाँ एप्लीकेशन फीस का जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है तो यहाँ पे देख सकते हो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 0 शुल्क है, कोई भी शुल्क नहीं देना है, ऑनलाइन डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है, और चाहे आप SC ST कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं देना किसी प्रकार का किसी को भी, ठीक है। टाटा पावर रिक्वायरमेंट का जो चयन प्रोसेस है यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे यहाँ पर रहने वाला है तो यहाँ पर देख सकते हो रिटन टेस्ट एंड यहाँ पे स्किल टेस्ट, ठीक है,
एंड यहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन आपका होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो अप्लाई करना है वो आपको कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है मैंने, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैरियर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस कैरियर के लिंक पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और किन किन वैकेंसी के लिए आवेदन करना है वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह आपको ऑनलाइन करना होगा और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है मिल जाएगी, ठीक है। और आपको जो रेस्पॉन्स आएगा वो आप मेल आई डी यूज़ करोगे उसी पे आपको रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको पूरी समझ आ गई होगी, अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट में पूछ लेना, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों।